हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद एन यूनिट दैट इज मनी एंड बैंकिंग. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में 6 नंबर की यूनिट है, यानी 6 नंबर का तो यहाँ से आएगा ही आएगा. एंड दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जिसमें यू कैन ईजीली गेट 6 आउट ऑफ 6. मनी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही यूजुअल टर्म्स ऐसी हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो देखिए, व्हाट इज़ मनी? सबसे पहले मनी क्या रहेगा? देखो, कुछ भी ऐसा जिससे हम किसी भी सामान की लेन देन कर सकते हैं. एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ टर्म्ड एज मनी. मनी क्या रहेगा? एनी लीगल थिंग. लीगल मीन्स इसे आरबीआई इशू करती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ लीगल. ठीक है, लीगल थिंग विच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी आज के टाइम में हमें कुछ भी ख़रीदना हो, अगर हमारे पास पैसा है तो वी कैन परचेज इट. लेकिन प्रायर टू मनी, अगर हम मनी से पहले की बात करें तो देयर वॉज अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले गुड्स खरीदे जाते थे. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, जिसमें अगर आपके पास एक कमोडिटी है देन ओनली यू कैन परचेज अनदर कमोडिटी बाई गिविंग दैट गुड्स. तो देखिए, बार्टर सिस्टम की कुछ कमियाँ थी जो कमियाँ मनी ने आते ही रिप्लेस कर दी. तो बार्टर सिस्टम की पहली कमी थी डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. इट मींस दो लोग जो ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, दैट बोथ सेटिस्फाई ईच अदर. एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. सपोज एक पर्सन है, ही वांटेड टू बाय शूज़ एंड ही हैज़ वीट टू एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ शूज़. तो उसे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो ना सिर्फ उसके वीट खरीदने को तैयार हो बल्कि उसके पास शूज़ भी हों उसे बेचने के लिए. एंड दैट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस प्रॉब्लम को मनी ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि मनी के साथ आप किसी भी सामान को खरीद सकते हो. नेक्स्ट इज़ स्टोरेज. बार्टर सिस्टम में देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, क्योंकि कमोडिटीज़ होती थी तो इतनी सारी कमोडिटीज़ को स्टोर करके रखना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. स्पेस भी चाहिए और वो ख़राब होने का भी डर रहता था. तो मनी में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पैसा है, अब जाके सामान लाओ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में किसी भी कमोडिटी को वैल्यू करना वॉज डिफ़िकल्ट. ठीक है, लाइक एक काओ के बदले हाउ कैन वी एक्सचेंज अ कार इन प्लेस ऑफ काओ. लेकिन आज के टाइम में इट्स वेरी इजी, हमें कार के प्राइसेस पता है, एज़ पर आर बजट वी कैन डिसाइड विच कार वी वांट टू परचेज. लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था. एंड द लास्ट वन इज़ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड का मतलब रहता है फ्यूचर. ठीक है, बार्टर सिस्टम इट वॉज नॉट पॉसिबल फ्यूचर पेमेंट. क्यों? क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आपके पास सामान है तो आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज द ट्रेड वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मनी के साथ ये पॉसिबल है. आज आपके पास नहीं है मनी तो भी आप क्रेडिट पे सामान ले सकते हो. तो ये चार प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की जिन्हें मनी ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है. अब देखिए, मनी क्रिएट होती कैसे है? हमें पता है आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई क्रिएट करता है मनी. लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मनी को क्रिएट करने में. देखो, सबसे पहले हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है हम वो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. तो कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम रहता है रिज़र्व रखना, दैट इज़ नॉन एज CRR, कैश रिज़र्व रेशियो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने डिपॉजिट करवाया है तो वो उस पैसे को वापस मांग भी सकता है, विड्रॉ करने भी आ सकता है. तो इस पर्पज़ के लिए CRR को रखा जाता है और इसकी रेट वॉज डिसाइडेड बाय RBI. अब CRR रखने के बाद जो लेफ्ट अमाउंट होती है वो कमर्शियल बैंक क्या दे देता है? आगे लोन के लिए दे देता है. अब देखिए, जो लोन दिया है उस पर से कुछ इंटरेस्ट आएगा कमर्शियल बैंक के पास, और जिन्होंने डिपॉजिट रखा है उनको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इन दोनों इंटरेस्ट के गैप को बैंक की इनकम कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए इनका प्रोसेस क्या रहता है. सपोज फर्स्ट डे 10,000 रुपीज़ आए, CRR की अमाउंट 10% है, 10,000 का 10% इज 1,000, यानी 1,000 उन्होंने रिजर्व रखा, बाकी बचा 9,000 दे गिव एज लोन. नेक्स्ट डे 9,000 उनके पास था लोन देने के लिए, 10,000 फिर आया, इट मींस 19,000. तो रिजर्व कितना रखेंगे? 1,900, यानी जितना अमाउंट अभी तक उनके पास पड़ा है उस सब का 10% वो रखेंगे, बाकी लोन दे देंगे. और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है. नेक्स्ट वन इज मनी मल्टीप्लायर, यानी मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं. क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे? कि आपका कितना रिजर्व है और उसके बदले आप कितना क्रेडिट दे सकते हो. इसको कैलकुलेट करने का मेथड है 1/CRR. सी यहाँ पे CRR की वैल्यू आपको गिवन होगी,
CRR का एक और नाम होता है LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, यानी वो रिजर्व जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो CRR की अमाउंट इज 10%, तो 1/10 परसेंटेज हटा देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 times। इट मीन्स हमारा जितना भी रिजर्व है हम उसका 10 times लोन दे सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मनी सप्लाई। देखिए मनी सप्लाई क्या होता है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा सर्कुलेशन में है, दैट इज़ नॉन एज मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई को मेजर करने का 4 फार्मूलाज आर देयर, M1, M2, M3, M4, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 रहेगा, C+DD+OD। सी फॉर करेंसी, लोगों के पास कितना पैसा है। DD डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, वो पैसा जो हम बैंक के पास डिपॉजिट रखते हैं इस कंडीशन पे कि जब भी हमें चाहिए होगा हम इजीली उसे विथड्रॉ कर लेंगे। तो DD इज़ डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। एंड अदर डिपॉजिट्स क्या रह जाएंगे, वो सारा डिपॉजिट जो RBI के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है एंड फॉरेन कंट्री के पास है। तो ये हमारा मनी का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।